दोस्तों, आज है 13 जून और अभी बज रहे हैं 12:07 और अभी मुझे कॉल आया हुआ है जो कि कबीर चौक के पास से आया हुआ है कि उनके घर पे एक इंडियन कोबरा घुस गया था, जिसको निकालने के लिए उन्होंने एक बांस के सहारे से रस्सी बांधकर फंदा बनाए थे, जो पतली तांत की जो रस्सी आती है जिससे मछली का जाल बुना जाता है, और उस फंदे से बांधकर उन्होंने एक सांप को जकड़ रखा है, लेकिन अब वो सांप उस फंदे में कस चुका है। तो इसके लिए सरपंचायत समिति को फ़ोन आया हुआ था, तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है, कैसा है, उसके बाद फिर उसका रिसीव करते हैं, फिर आगे की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं लोकेश मालाकार और कैमरे के पीछे है जय यदु, सरपंचायत समिति रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, और हम लोग आए हुए हैं कबीर चौक के आगे। ये कबीर चौक के आगे एक पेट्रोल पंप है, वहीं पास में ही किसी के घर में एक इंडियन कोबरा निकला था, जिसको निकालने के लिए इन्होंने एक बांस की मदद से और रस्सी की मदद से फंदा बना के निकाला है, लेकिन यह फंदा इतना टाइट हो गया कि ये उससे निकल नहीं पा रहा है, जिसके लिए हम लोग को रेस्क्यू कॉल आया था। चलिए इसका पहले रेस्क्यू करते हैं, फिर आगे की जानकारी आपको देते हैं। इंडियन कोबरा भारतीय नाग, जिसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है जो किसी भी इंसान या जानवर के लिए हानिकारक हो सकता है, और यह सांप ये राहुल साहू जी के यहाँ ये इंडियन कोबरा घुसा हुआ था, और इन्होंने इसको निकालने के लिए एक फंदे की मदद से बाहर निकाला, लेकिन वो फंदा इतना कर दिया था कि वो फंदा निकालना मुश्किल हो गया था, जिसके लिए इन्होंने सरपंचायत समिति को फ़ोन किया, और अभी हमने आके इसका रेस्क्यू किया है। इसमें जो रस्सी बंधी हुई थी, जो पतली तांत जो बंधी हुई थी, उसको काट के निकाला है। अब इसको किसी बोरे या डिब्बे में डालेंगे, उसके बाद सुरक्षित जगह पे इसको रिलीज कर देंगे। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि कभी भी आपके घर में सांप निकले तो आप सरपंचायत समिति वन विभाग को फोन करें। इस तरीके से फंदे वगैरह से बांध कर निकालने की कोशिश ना करें, इससे आपको और सांप दोनों को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों इस इंडियन कोबरा को हमने बोरे में डाल लिया है, कुछ देर बाद इसको सुरक्षित जगह पर रिलीज़ कर देंगे, और आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश है कि कभी भी आपके घर में सांप आए
तो आप वन विभाग को या अपने नज़दीकी किसी भी सर्प मित्र को आप कॉल करें। इस तरीके से फंदे में बांध कर ना निकालें, इससे आपकी या इन सांपों की जान जा सकती है। तो सतर्क रहें और हमें फ़ोन करें। धन्यवाद।